Justice! We won! Justice! We won! Justice! We won! Justice! We won! Justice! जी मेरा नाम है निसार अहमद, मैं श्रीनगर से यहाँ पे आया हूँ। बहुत सारे डिस्ट्रिक्टों से यहाँ पे रिप्रेजेंटेटिव आया है, लेकिन मसला ये है जो फायर सर्विस का जो स्कैम है, ये मदरा फॉल स्कैम है। हम ये कहना चाहते हैं कि गवर्नर साहब ने इस पर 3 मेंबर कमेटी कॉन्स्टिट्यूट की है, उस कमेटी जो टाइम पीरियड दिया गया है वो 1 महीना दिया गया है, लेकिन बदकिस्मती है 3रा महीना भी ख़त्म होने वाला है, कमेटी टस से मस नहीं हो रही है। हमें लग रहा है इस कमेटी पर किसी बड़े मगरमच्छ का हाथ है, किसी बड़े ब्यूरोक्रेट का हाथ है, तभी यह कमेटी डर रही है रिपोर्ट देने में। मैं एलजी साहब को चैलेंज करता हूं, मुझे सीबीआई में 2 दिन के लिए बिठाओ। एलजी साहब मुझे 2 दिन के लिए सीबीआई में बिठाओ। जितने भी आपके करप्ट ऑफिसर जम्मू कश्मीर में बैठे हुए हैं, मैं उनको 2 दिन के अंदर अंदर फंसाऊंगा। अगर मैंने ऐसा काम नहीं किया 2 दिन के अंदर अंदर, तो मुझे श्रीनगर लाल चौक के अंदर फांसी दे दो, या जम्मू के प्रेस क्लब के अंदर फांसी दे दो, या महाराजा हरि सिंह पार्क के बाहर मुझे फांसी दो, मुझे लटका दो। अगर मैंने 2 दिन के अंदर अंदर ये पूरा स्कैम बाहर नहीं निकाला, इसको मदर ऑफ ऑल स्कैम नाम दिया गया, बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट इसमें फंस चुके हैं, इसीलिए कमेटी इनको बचा रही है। अरे ये चोर कब तक बचेंगे? हम उनको तब तक नहीं छोड़ेंगे जब तक हमें इंसाफ नहीं मिलेगा। हम ये कहना चाहते हैं इसमें 75 बैगलोर एंट्री वो बंदे लगे हुए हैं जिनने फार्म भी नहीं लगाए हैं, जो हैंडीकैप्ड बंदे हैं वो भी लगे हुए हैं। हम आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहते हैं गवर्नर साहब, अगर यहाँ पे भाजपा ने 370 आर्टिकल यहाँ पे रिवोक किया, उन्होंने जम्मू कश्मीर के यूथ को एक वादा दिया है कि यहाँ पे कोई भ्रष्टाचार नहीं होगा, कोई करप्शन नहीं होगा, कोई नेपोटिज्म नहीं होगा, कोई कुछ भी नहीं यहाँ पे होगा, लेकिन 370 आर्टिकल एब्रोगेट होने के बाद पहला लिस्ट मंजर आम पर फायर एंड एमरजेंसी डिपार्टमेंट वालों ने लिस्ट पब्लिश किया अपने पेज पे, इसका नाम दिया मदर ऑफ ऑल स्कैम्स। अगर ये इतना बड़ा कांड है तो आप उन दलालों को कब तक माफ करोगे? दे वेर दलाल इन द मार्केट, दे वेर फ्रॉडलेंट इन द मार्केट। जम्मू ने जम्मू कश्मीर का मार्केट खराब कर दिया भ्रष्टाचार से। अब हम टिल डेथ तक ये सिलसिला जारी रहेगा। अब उन जिन हराम खोरों ने हमारी नौकरियां खाई है, हमें आता है अपना हक लेना, लेकिन हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को रेस्पेक्ट करते हैं। हम मोदी साहब के पास जाएंगे, हम जाएंगे अमित शाह के पास जाएंगे, उसको कहेंगे कितना बड़ा भ्रष्टाचार है एलजी एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर हो रहा है, लेकिन एलजी एडमिनिस्ट्रेशन बिल्कुल वाकिफ है, उसको पता है कि यहां पे कितना कांड हो रहा है, लेकिन उनको यहां पे बचाया जा रहा है। क्यों ऐसा किया जा रहा है एलजी एडमिनिस्ट्रेशन? मेरा सवाल यह रहेगा आपके चैनल के माध्यम से एलजी एडमिनिस्ट्रेशन तक, अगर हमने 95% काम खुद कर दिया जो सीबीआई को करना था वो हमने कर दिया, अब इसमें क्या बच गया है? अब इनको क्यों बचा रहे हो? हम यही कहना चाहते हैं इसमें सीबीआई इंक्वायरी होनी चाहिए, जिन दलालों ने उनकी नौकरी लगाई है उनको बाहर निकालिए, उनको एफआईआर लॉन्च कीजिए, अभी तक उनका एफआईआर भी लॉन्च नहीं हुआ। हम लास्ट में यही कहना चाहते हैं आपके चैनल के माध्यम से गवर्नर साहब को कि मेहरबानी बराई करम इस पर जो आपने 3 मेंबर कमेटी कॉन्स्टिट्यूट किया उस पर थोड़ा प्रेशर डालिए, इस पर जोर डालिए कि वो अपना रिपोर्ट सबमिट करेंगे एलजी ऑफिस में, ताकि हकदारों का हक मिले। ये जो मेरिटोरियस कैंडिडेट है उनको डेलिब्रेटली उनको इस लिस्ट से बाहर कर दिया गया। हम यही कहना चाहते हैं आपके चैनल के माध्यम से, हमें इंसाफ चाहिए, वी वॉन्ट ऑनली सीबीआई इंक्वायरी। आपकी डिमांडों को सुना काफी प्रोटेस्ट भी, वही तो बात है, हमने अभी तक कभी करीबन 2020 से करीबन 50 प्रोटेस्ट लगाए श्रीनगर से जम्मू। हमें कोई शौक नहीं श्रीनगर से जम्मू आने का, हम गरीब फैमिली से बिलोंग करते हैं, हमारे जेब से पैसे खर्च होते हैं, या किसी बड़े ब्यूरोक्रेट के जेब से पैसे खर्च नहीं होते हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ ये बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट हैं, अगर इनके बच्चे जो हमारे साथ जुल्म हो रहा है, अगर इनके बच्चों के साथ ऐसा होता ना तो वो फांसी लगा देते कब के, लेकिन उन्होंने हमें एक फुटबॉल की तरफ समझा है, वो कभी यहाँ लात मारती है कभी वहाँ लात मारती है, कोई यहाँ पर सुनता नहीं है। जब हम कल गलत रास्ता इख्तियार करने में मजबूर हो जाएंगे, पत्थरबाजी करेंगे या ड्रग्स में मुबतला होंगे, अपने आप को कत्ल कर देंगे, क्या एलजी एडमिनिस्ट्रेशन अगर उसी से खुश है तो हम वही करने के लिए जा रहे हैं? लास्ट पे हमारी मैसेज यही एडमिनिस्ट्रेशन से होनी चाहिए कि मेहरबानी कीजिए, हमें इंसाफ दीजिए, बाकी हम कुछ नहीं चाहते सर। या प्रोटेस्ट के अलावा कोर्ट का भी जो है वो दरवाजा खटखटाने का कुछ है इरादा? बिल्कुल सर, अगर नहीं हुआ तो सुप्रीम कोर्ट खटखटाएंगे जरूर। जिन दलालों ने भ्रष्टाचार किया, मुझे हमारे साथ हमारे पास सारा सबूत सारे एविडेंसेस हमारे पास है। अगर मैं यही कहना चाहता हूँ एलजी एडमिनिस्ट्रेशन से, मेरा नाम है निसार अहमद, मुझे सीबीआई इंक्वायरी में बिठाओ खाली 2 दिन के लिए,
मैं पूरा का पूरा स्कैम बाहर निकाल के दूंगा। अगर मैं जो यहाँ से यहाँ तक बड़े बड़े स्टार वाले हैं ना, उनको मैं फंसाऊंगा। वो अभी भी गवर्नमेंट का नमक खा रहे हैं, उनको कुछ नहीं किया जा रहा है, उनको छोड़ दिया जा रहा है, उन दलालों को अभी छोड़ दिया जा रहा है। मुझे सीबीआई इंक्वायरी में दो दिन के लिए बिठाओ, मैं सारे अफसरों को फंसाऊंगा। अगर मैंने ऐसा काम नहीं किया, मुझे श्रीनगर लाल चौक में मुझे फांसी दे दो या जुम्मन में फांसी दे दो। हम यही कहना चाहते हैं आपके चैनल के माध्यम से, हमें इंसाफ दे दो। वी वॉन्ट ऑनली सीबीआई इंक्वायरी।